माता जी का एक मैसेज है इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग ईच अवतार इज द अनाउंसर द फॉरनर ऑफ ए मोर कंप्लीट फ्यूचर रियलाइजेशन बट मैन हैज ए टेंडेंसी टू डेइफाई द अवतार ऑफ द पास्ट इन ऑपोजिशन टू द अवतार ऑफ द फ्यूचर Now Shurabindo comes with his message of a more perfect future and his message meets the same resistance, opposition as of those who preceded before him, but future will prove the truth of his work and his will will be done, and his work will be done. माता जी का मैसेज है ये संसार अभी हम लोग पढ़ रहे थे सावित्री में सुरेश डे जी ने पढ़ा अबव द वर्ल्ड क्रिएटर स्टैंड ये संसार एक गति ये नित निरंतर खेल अंधकार प्रकाश का सुख का दुख का सृष्टि और विनाश का इसके गहराई में गर्भ में और इसके उतंग ऊंचाई में एक अपार शाश्वत सत्य है और यही शाश्वत सत्य एक काल गति को धारा के पीछे शक्ति के रूप में विद्यमान है इसी का उपस्थिति से ये सारे तारा नक्षत्र सूर्य चंद्र अपनी अपनी दिशा में अपनी अपनी गति में अपने निर्दिष्ट स्थान पर जाते हैं शेरविंद बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस परम पुरुष का सावित्री में जिसमें बताते हैं कि उनके उपस्थिति मात्र से ये सारा संसार गतिशील है कोई है इस गहराई में इस अंधकार के बीच में जो परम प्रकाश के तरह इस सुख दुख का खेल के पीछे एक परम आनंद के रूप में इस अर्धमूर्छित अर्ध जागृत अर्ध चेतन जगत के बीच में अंदर में पूर्ण चेतना को धारण करके जो संतोष भाई ने पढ़ा जो आगे चल के उसमें आता है नाम नित्यो नित्यानाम एको बहु बहुनाम योविधता कामान अनेक रूप में जो बन गया है वो एक शाश्वत सत्य शाश्वत प्रकाश शाश्वत आनंद शाश्वत प्रताप शाश्वत शांति शाश्वत शक्ति संपूर्णता एक खंड खंड के पीछे वो एक है और अनंत बनकर प्रकट होता है लेकिन कभी कभी इस काल की गति को इस जगत की धारा को एक विशेष दिशा देने के लिए फिर से उसको अपने निर्दिष्ट की ओर मोड़ने के लिए वही अकाल सत्य वही परम पुरुष काल पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं वही धरती में इमिनेंट डिवाइन कण कण के अंदर छिपे हैं लेकिन कभी कभी वो वह रूप धारण करते हैं जड़ तत्व का बोझ अपने ऊपर लेकर प्रकट होते हैं और उनको मां शिरविंद बताते हैं कि वे अवतार हैं और यह अवतार जिस समय प्रकट होते हैं पृथ्वी पर उसी को भागवत मुहूर्त क्योंकि वो एक ऐसा मुहूर्त है जब भगवान पीछे से सारी सृष्टि को चला रहे हैं लेकिन वो अपने गति से अपनी शक्ति के संघर्ष से चलती जाती है और इस संघर्ष से बहुत कुछ सृष्टि में अच्छा भी होता है बहुत कुछ विष भी प्रकट होता है और धीरे धीरे ये विष उसी धरती को उसी पृथ्वी को इस गति को अपने अंदर समाप्त करने लगता है जिसका आगे पढ़े थे सावित्री में दस चल द मास ट्रांसजेंडेंट माउंट हिस्थ्रोन वेन डार्कनेस डीपेंस एंड स्ट्रेंगलिंग प्रेस्ट मास ट्रांसजेंडेंट जो भगवान अंदर ये मुखौटा ये जगत का मुखौटा पहन करके अंदर छिपे हैं तो उस समय वे स्वयं भगवान मनुज रूप या वह रूप जिस रूप में सृष्टि हो परंतु हम लोग के लिए हम ये कह सकते हैं कि मनुज रूप धारण करके इस सृष्टि के ऊपर प्रकट होते हैं वही शाश्वत सत्य और इसको एक नई धारा देते हैं यह एक ऐसा रहस्य है जिसको मनुष्य नहीं समझ सकता श्री कृष्ण गीता में तीन रहस्य बताते हैं एक रहस्य वह जो एक पथ है उस सत्य को प्राप्त करने का दूसरा जो अंत में बताते हैं जिसको संतोष भाई ने अभी पढ़ा सर्वधर्मान परित्यज्य जमा एकम शरणम प्रजा और एक तीसरा रहस्य उत्तम रहस्य वो भगवान के देह धारण करने का रहस्य वह जो असीम है सीमित बन के प्रकट होना वह जो अकाल है कालगत में आ जाना वह जो इंद्रियातीत है वह इंद्रियों की सीमा में चला आता है वह जिसका वर्णन करके वेद श्रुति उपनिषद सब कुछ उसका वर्णन करके शांत हो जाते हैं परंतु उसका वर्णन नहीं कर पाते वर्णनातीत है अनिर्वचनीय है वह हमारे नाम रूप के परिधि में आ जाता है बहुत सुंदर भजन है मैं नाम भूल रहा हूं किसका है पर उसमें भजन में भाव ये है देख सखी मोहे अचरज भावे भक्त कह रहे हैं कि हे सखी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है क्या आश्चर्य हो रहा है लोग कहते हैं क्या आश्चर्य का चीज है इतना बहुत आश्चर्य है संसार में एक एक चीज आश्चर्य है कली का खिलना आश्चर्य है वृक्ष है मनुष्य है सब कुछ आश्चर्य है संसार में लेकिन एक परम आश्चर्य है देख सखी मोहे अचरज आवे ब्रह्म अनादि अनंत अगोचर सो अब नंद का लाल कहावे वह जो ब्रह्म है अनादि है जिसका प्रारंभ नहीं है अंत नहीं है अगोचर है उसको हम समझ नहीं सकते पकड़ नहीं सकते उसको कहा जा रहा है ये नंद के बेटे हैं सो अब नंद का लाल कहा आगे बताते हैं कि जिनका श्रुति वेद पुराण गाते हैं वो अब मां उसको मां के रूप में समझा रही है हाथ बांध करके तुम ये काम करो वो काम करो माखन क्यों खाया है जा की श्रुति वेद गावे वो इतना सीमा में चले आते हैं मनुष्य के सीमा में एकदम जैसे हम लोग जैसे बन करके संसार में प्रकट होते हैं इसीलिए रहस्य है जो अनंत है वो सीमित कैसे हो जाता है हमारी दृष्टि की सीमा में कैसे आ जाता है इसी रहस्य का एक छोर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है किस कार्य क्या कार्य करते हैं अवतार प्रकट होकर कैसे वो इस शाश्वत धारा को काल में एक नई दिशा दे, देते हैं अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं श्री कृष्ण के काल में तो हमको दिखाई देगा श्री कृष्ण के काल में जो उच्चतम व्यक्तिगत आदर्श था उस समय वेदों का एक प्रकार से लुप्त हो रहे थे वेदों का लुप्त होना छांदोग्य के समय से ही लगभग प्रारंभ हो गया और सब कर्मकांड में वेद का था रोज सुबह उठ करके अगरबत्ती अगरबत्ती नहीं यज्ञ हवन बाहर से यज्ञ करो कुछ मंत्र करो और इसी में सारा संसार या फिर संन्यास लेकर सांख्य के रास्ते से मोक्ष की ओर चले जाओ वे उच्चतम व्यक्तिगत आदर्श ये था सामूहिक आदर्श क्या था कुल कुल से बड़ा कुछ नहीं था इसीलिए उस समय जो राजा होता था कुल के नाम से और उस कुल में सबसे बड़ा कुल उस समय जो था वो था कुरुकुल कुरुकुल ययाति पुरुरवा, शांतनु भीष्म इत्यादि से आरक्षित कितने हजार वर्ष तक वो कुल चलता है व्यक्ति के स्तर पर यह आदर्श कर्मकांड या संसार से जाकर के दूर अपने को विड्रॉ कर लेना कपिल मुनि का, का सांख्य योग। सामूहिक स्तर पर राष्ट्र का आदर्श राष्ट्र नहीं कुल का आदर्श ऐसे समय पर श्री कृष्ण आते हैं कुल का आदर्श पतित हो गया है वही कुल जो उच्चतम कुल था उसी कुल के अंदर उसका विष प्रकट हो गया है। विचित्र वीर उसके बाद धीरे धीरे उसी कुल में जहां पुरुरवा जैसे राजा थे जो देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से लड़ते हैं शांतनु जैसे महाबली थे भीष्म जैसे तपस्वी थे उसी कुल में धृतराष्ट्र जैसा अंधा राजा पैदा होता है और उसी कुल में दुर्योधन और उस कुल की जो उच्चतम मर्यादा थी कि कुल को सुरक्षित रखना है कुछ भी हो जाए इसीलिए भीष्म जो उस समय के उच्चतम आदर्श को लेकर के पैदा होते हैं वो कहते हैं कुछ भी हो जाए कुल से बड़ा आदर्श नहीं है कुल की मैं रक्षा करूंगा और उस समय इसीलिए अर्जुन के मन में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हे कृष्ण आप मुझे बोल रहे हो इस कुल को तोड़ दो ये कुल क्षय कुल विनाश कुल द्रोह किस तरफ आप मुझे उकसा रहे हो इससे तो सब कुछ को धर्म हो जाएगा कुल की जो स्त्रियां हैं वो भटक जाएंगी पूरा कुल नष्ट हो जाएगा कुरुकुल पानी में चला जाएगा मिट्टी में श्री कृष्ण कहते यही तो मैं करने आया हूं यही तो मैं तोड़ने आया हूं क्यों इसको तोड़ के क्या मिलेगा जो भी हो कुल तो सबसे उच्चतम आदर्श है श्री कृष्ण कहते नहीं है लेकिन अंगित करते हैं कुल के स्थान पर राष्ट्र की स्थापना होगी पहले बार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के आने के बाद प्रथम बार पुराने समय के इतिहास में इतने मास स्केल पर एक और मद्र देश से इज मॉडर्न मद्रास अगर हम उस कंटेक्सट में देखें और दूसरी ओर फार ईस्ट से घटोत्कच और बर्बरीक भी आता है युद्ध में लड़ने के लिए और नॉर्थन एरिया सीमा से सारे ध्वज एक ध्वज के नीचे इकट्ठे होते हैं श्री कृष्ण पहली बार कुल का तोड़ करके राष्ट्र को जन्म देते हैं द नेशन एंड इट्स आइडियल इज ग्रेटर देन द आइडियल ऑफ ए फैमिली ट्राइब क्लैन एटसेट्रा एटसेट्रा उसी तरह व्यक्ति को क्या आदर्श देते हैं कर्म कांड में योग एक अंदर का सत्य है उस अंदर के सत्य को लाते हैं सनातन सत्य को और अर्जुन को क्या कहते हैं अर्जुन तू यदि यह योग करेगा जो मैं तुझे फिर से रिवील कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं यह सनातन योग है लेकिन ये योग भ्रष्ट हो गया है इसको मैं तुझे फिर से दे रहा हूं एक जगह माता जी लिखती है वट इज द वर्क वी हैव टू डू टू स्पीक वंस अगेन टू ह्यूमैनिटी द इटरनल वर्ड इन ए फॉर्म अप्रोप्रिएट टू द्यूमैनिटी ये सनातन सत्य है लेकिन मनुष्य भूल गया है वो वेदवाद में फंस गया है तो मैं तुझे बता रहा हूँ तू इस योग को करेगा जो इस योग को करता है उसके लिए ये वेदवाद का उतना ही आवश्यकता रहता है जितना नदी में जो आदमी जल से घिरा हुआ है उसको एक लोटा में पानी का जितना जरूरत है जो इस योग को धारण करता है जो साक्षात ब्रह्मग्नि को अपने अंदर जलाता है उसके लिए ये बाहर से पढ़ना और बाहर से हवन करना इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर अग्नि जल पड़ती है ये योग का रास्ता बताते हैं त्रिमार्ग का रास्ता जीवन से भागने का रास्ता नहीं क्योंकि अर्जुन यही चाहता है कहता है अगर मैं भौतिक आदर्श लूं तो मुझे कुल के साथ होना चाहिए अगर आध्यात्मिक आदर्श लूं तो मुझे वैराग्य लेकर चले जाना चाहिए श्री कृष्ण कहते हैं दोनों ही बात अब पुराना हो गया है ये विकृत हो गया है जो परम सत्य मैंने शाश्वत सत्य है वो विकृत हो गया है तो मैं तुमको एक पुराना सत्य को नया रूप दे रहा हूं कि कुल से बड़ा राष्ट्र का आदर्श है और राष्ट्र का धर्म है उस भगवान को इस संसार में प्रकट करना और इसलिए इस युद्ध को लड़ो और उसी प्रकार से योग को एक नया मार्ग देते हैं एक नया दिशा देते हैं एक लंबे समय तक श्री कृष्ण के जाने के बाद यह राष्ट्र भारत राष्ट्र राष्ट्र का जो स्थापना होता है उसको आजाद शत्रु विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य इस प्रकार के साम्राज्य उसको आरक्षित करते हैं और यह जो नया योग श्री कृष्ण देते हैं जो जीवन को जोड़ता है मनुष्य के साथ जो भगवान के साथ उसका लोग पालन करते हैं लेकिन फिर हम देखते हैं धीरे 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 लगभग थाउजेंड एडी या इलेवन हंड्रेड एडी से छह सात सौ साल पहले से फिर से वो धीरे 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 एक और मोक्षवादी धारा दूसरे और वही राष्ट्र फिर से खंड होना शुरू होता है वही राष्ट्र के अंदर आगे चल के इतना विष निकलता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगलना चाहता है वही राष्ट्र जो भागवत चेतना को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए हैं मानव समूह वही मानव समूह एक मानव समूह दूसरे मानव समूह को भक्ष करना चाहता है यहां तक कि अगर हम सौ वर्ष पूर्व अगर देखें तो सर्वत्र अंधकार ही अंधकार जो ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है वो कमजोर राष्ट्र को निगल रहा है समाप्त कर रहा है ग्रस रहा है भारतवर्ष का दुर्दशा तो हम लोग जानते ही हैं, और योग के नाम पर फिर से वही मोक्षवादी धारा और फिर हम देखेंगे कि ऐसे समय पर मध्य रात्रि के समय श्री अरविंद फिर से आते हैं और क्या मैसेज देने के लिए आते हैं एक बहुत सुंदर श्री अरविंद का मैसेज है उसको मैं ओरिजिनल में पढ़ना चाहूंगा माय मिशन बिल्कुल लगता है श्री कृष्ण अगर आज आकर के बोलते तो ऐसे बोलते माय मिशन इज नॉट टू क्रिएट मट्स एसेटिक्स एंड यही अर्जुन बोल रहा है कि मैं सन्यास ले लूंगा श्री कृष्ण बताते हैं सन्यास और त्याग दोनों के बीच अंतर है सन्यास लेना बहुत आसान है अर्जुन वो रास्ता मत लें कमजोर लोगों का रास्ता है जो जीवन के संग्राम से भागना चाहते हैं मैं तुझे योग दे रहा हूं संन्यास का रास्ता नहीं त्याग का रास्ता श्री अरविंद देखो दूसरे रूप में बता रहे हैं माय मिशन इज नॉट टू क्रिएट मट्स एसेटिक्स एंड सन्यासीज़ बट टू कॉल बैक सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू लीला ऑफ कृष्ण एंड काली किसको मैं बुला रहा हूं ना यम आत्मा बल ने मैं उस तरह के लोगों को नहीं बुला रहा हूं जो भाग भाग के जीवन से डरे हुए भीरू कायर मैं उनको बुला रहा हूं द सोल्स ऑफ द स्ट्रांग जो मृत्यु से नहीं डरते अग्नि से नहीं डरते ना स्वर्ग से डरते हैं ना नरक से डरते हैं ना देवताओं से डरते हैं ना असुर राक्षस से डरते हैं दुर्गा स्त्रोत में कितना अग्नि है ना भगवान से डरते हैं वो भगवान को प्रेम करते हैं भगवान से एक वो जानते हैं कि वो वंश श्री कृष्ण के अंश है जो जिसका अंश है उससे क्या डरेगा उसको प्रेम करेगा तो कहते हैं सोल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग टू द लीला ऑफ Krishna एंड काली कृष्ण और काली की क्या लीला है वो बाद में लेकिन आगे बोलते हैं एंड माय नेम मस्ट नेवर बी कनेक्टेड विद मोनेस्टिक फॉर्म्स और द मोनेस्टिक आइडियल श्री कहते हैं मेरा नाम किसी ऐसे श्री कृष्ण के नाम से कितने अभी ऐसे संस्थाएं जुड़ गई हैं जो मोक्षवादी धारा संसार से अलग होने की यहां तक कि जिन्होंने सन्यास की जगह त्याग और जीवन से कर्मयोग का रास्ता दिखाया उस श्री कृष्ण के नाम से गिरवावस्त्र धारण करके लोग इस संसार से दूर जा रहे हैं यह आगे चलकर काल धारा इतनी अधिक विकृत होती है श्री अरविंद इसकी भी बात एक करते हैं एक बंगला कविता है उनकी लेकिन वो कभी और यहां कहते हैं एंड माई नेम मस्ट नेवर बी कनेक्टेड विद मोनेस्टिक फॉर्म्स ऑफ मोनेस्टिक आइडियल मोनेस्टिक आइडियल जो सन्यास लेकर इस तरह के मठ बने हैं उसके साथ श्री अरविंद मठ श्री अरविंद सन्यास आश्रम ऐसा मेरे नाम को कभी मत जोड़ना एवरी एसेटिक मूवमेंट हैज लेफ्ट इंडिया वीकर एंड फॉर ए वेरी ऑब्वियस रीजन जितने भी संन्यास के जो रास्ते हैं वो ने राष्ट्र को और विश्व को कमजोर किया है श्री कृष्ण ने राष्ट्र की स्थापना की क्या योग दिया है उन्होंने अर्जुन इस बाहुओं से इस गांडीव से धर्म की रक्षा कर और अभी हमारा क्या हाल है हम लोग डरते हैं हर चीज से अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग रिनंसिएशन ऑफ लाइफ इज वन थिंग टू मेक लाइफ इट सेल्फ नेशनल इंडिविजुअल वर्ल्ड लाइफ ग्रेटर एंड मोर डिवाइन इज एनदर श्री कृष्ण राष्ट्र की स्थापना करते हैं श्री अरविंद एक कदम और जाते हैं विश्व समूह विश्व संगठन राष्ट्र भी अब एकमात्र चरण है और इस दिशा में कितने मूवमेंट हो रहे हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है उसमें हम लोग जाएंगे तो रात चला जाएगा यहां तक कि लोग अब राष्ट्र के परे ऑलरेडी सोचते हैं सिर्फ राष्ट्र के सीमा में नहीं सोचते हैं कुल तो चला गया कुल को वापस नहीं ला सकते हैं इट्स गॉन 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 मदर कहती है ओल्ड वर्ल्ड इज गॉन 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 अब जितना भी सोच है इवन राष्ट्र अपने आप में अब एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी राष्ट्र अब यह नहीं कह सकता है कि हम अपने आप में अकेले रहेंगे अगर वो अकेला रहेगा तो विनाश इट इज नो अदर चॉइस एवरी नेशन टुडे हैज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड अगर कोई भी राष्ट्र अब अपने को विश्व से कट करके अलग रखना चाहता है तो थोड़े ही समय में उसका विनाश शुरू हो जाएगा तो कहते हैं वर्ल्ड लाइफ ग्रेटर एंड मोर डिवाइन इज एन अदर रिनशन ऑफ इगो एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड इन लाइफ इज टीच नो अदर इंसिएशन मैं किसी और त्याग की बात नहीं सिखा रहा हूं परंतु वह त्याग जो केवल अहंकार का त्याग और भगवान की स्थापना व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र के स्तर पर और एक तीसरा चरण जो श्री कृष्ण जिसकी बात नहीं करते हैं हिंट देते हैं तीसरा चरण है विश्व के स्तर पर यह एक नई सोच नई दिशा श्री अरविंद लेकर प्रकट आते हैं करते हैं व्यक्ति के स्तर पर वो योग को कहां आगे तक ले जाते हैं अगर हम श्री कृष्ण का योग देखें तो प्रकृति है और प्रकृति के ऊपर उसके स्वामी के रूप में आधिपत्य के रूप में कृष्ण के अंश रूप में जीवात्मा विराजमान है जिसका इमेज हम लोग देखते हैं श्री कृष्ण नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं दिस इज हाईएस्ट आइडियल प्रकृति त्रिगुणात्मक रहेगी ये बताते हैं गीता में प्रकृति सत्य रजो तमोगुण से अधीन है अर्जुन तू इसको नहीं बदल सकता उसकी बात भी नहीं है पर तू इस प्रकृति के ऊपर उठकर जीवन मुक्त होकर इस प्रकृति को एक यंत्र के रूप में योग करके उपयोग करके स्वयं मेरा यंत्र बन सकता है और इस प्रकार यंत्र था यंत्र बनकर अगर तू सुपात्र है सही यंत्र बनेगा तो इस प्रकृति के बीच में रहता हुआ भी तू मुक्त होगा वहीं पर वो आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामी कम शरणम रजा अहम तो आ सर्व पापे भ्यो मोक्ष सुचा तो मत कर क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति में जब काम करेगा तो ऐसे काम होंगे जिसको बाहर की दृष्टि से हम पाप कह सकते हैं लेकिन इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में तू मुझे याद करता हुआ रहे तो मैं तुझे जब अंत काल आएगा तो यू विल इन मी एंड सतत तेरा मेरे अंदर निवास होगा दिस इज द हाइएस्ट इंडिविजुअल योगा और श्री क्या योग दे रहे हैं शी इसमें एक सेकेंड एस्पेक्ट ला रहे हैं पहले गीता के योग का भाग फिर आगे का योग एन एब्सोलूट इक्वालिटी ऑफ द माइंड एंड हार्ट गीता में बहुत इसका स्ट्रेस है समता का एन एब्सोलूट इक्वालिटी ऑफ द माइंड एंड हार्ट एंड ए क्लियर प्योरिटी एंड काम स्ट्रेंथ वो काम नहीं जो शव का शांति है शिव का शांति काम स्ट्रेंथ इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द वीक बींग केवल मन में नहीं हृदय में प्राण में शरीर में हैव लॉन्ग बीन द प्राइमरी कंडीशन पहला जो अवस्था साधक को प्राप्त करना है ऑलरेडी जो गीता का उच्चतम अवस्था है इक्वालिटी स्ट्रेंथ काम स्ट्रेंथ शांति लेकिन यहां पर इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द बींग वेन द यूनिटी हैज बीन वेल फाउंडेड द स्टैटिक हाफ ऑफ अवर वर्क इज डन गीता में तू सतत मेरे अंदर निवास कर जी मां नमस्करो मुझे याद कर मेरा स्मरण कर सब कुछ सर्व भावेन मेरे और मोड़ दे दैट इज द योगा देन यू विल डिस्कवर द यूनिटी कौन सा यूनिटी जहां वासुदेवम सर्वमिति समाहमा च दुर्लभ श्री अरविंद के योग का वो फाउंडेशन है द वन सेल्फ बिहाइंड ऑल थिंग्स ऑल हियर दैट सीम्स टू बी इट्स लोनली सेल्फ आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसजेंडेंट वन दैट इज ओनली द स्टेटिक हाफ स्टेटिक हाफ का काम श्री कृष्ण कर गए हैं वो फाउंडेशन है आगे का काम शी अरविंद बताते हैं वेन द यूनिटी हेज बीन वेल फाउंडेड द स्टेटिक हाफ ऑफ अवर वर्क इज डन बट दिव हाफ रिमेन्स इट इज देन दैट वी मस्ट सी द मास्टर एंड हिज पावर कृष्ण एंड काली

Here, the soul constantly dwelling in Krishna and nature constantly under the Master as Kali. The power occupying the whole of myself and my nature, which becomes Kali and ceases to be anything else. The Master using, directing, enjoying the power to his ends, not mine, until there is nothing left but Krishna and Kali. कृष्णा एंड काली कृष्णा एंड काली एक लंबे समय तक हम लोग जानते हैं कि शेरविंद साइन करते थे अपना नाम एस काली एंड कृष्णा काली उनके अंदर एक साधक ने पूछा भी कि आई फील दिस मंत्रा इन साइड मी इस वेरी गुड वेरी पावरफुल कृष्ण जो आत्माओं के स्वामी है जो उसको आकर्षित करते हैं कृष्ण आकर्षण कृष्ण कंप्लीट

पूरी तरह उनके आनंद को अपने अंदर महसूस कर सकता है ही होम काली ने उसके अंदर पूरा तैयारी कर दिया है और आगे कहते हैं कौन है जो काली की शक्ति को पूरी तरह अपने अंदर धारण कर सकता है ही होम कृष्णा ऑलरेडी पजेस सो कृष्णा इन काली सो ही कम्स टू एस्टेब्लिश दिस डबल ट्रूथ स्टैटिक हाफ ऑफ वर्क हम देखते हैं गीता में इस प्रकृति के बीच में भी आत्मा मुक्त हो सकती है आगे का भाग इस प्रकृति को भी आत्मा के अनुरूप ब्रह्म के अनुरूप परम शक्ति के अनुरूप रूपांतरण दैट इज द वर्क ऑफ शेयरविंद जैसा वो कहते हैं इट इज कृष्णाज वर्क दैट वी आर कैरिंग फॉरवर्ड टू इट्स अल्टीमेट कल्मिनेशन कृष्ण का ही काम हम आगे ले जा रहे हैं कल्मिनेशन क्या है दिस इज द कल्मिनेशन कृष्णा विदाउट इज पावर अपॉन अर्थ Is only delight. But Krishna with his power, manifesting power, is at once the power, it is once the delight and the wisdom and the glory which exceeds all glories. We can end with a poem from Sri Aurobindo on Krishna. Who is Krishna? Ektohamlok Krishna Bahar Pura Bhagavat. इत्यादि के कृष्ण को जानते हैं कृष्ण कौन है उस दृष्टि से देखें तो वही जो कृष्ण है वही श्री अरविंद है और वही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं कृष्ण पोयम का नाम है ओ इमेंस लाइट एंड दाउ ओ स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है अपार प्रकाश वो विशाल से भी विशालतम आत्मतत्व बाउंडलेस स्पेस असीम विस्तार whom हैव यू clasped एंड हिड डेथलेस लिम्स ग्लोरीफाइड फेस फिर पूछ रहे हैं ये अपार जो विस्तार है सृष्टि का किसको तुमने छिपाया हुआ अपने अंदर उस परम पुरुष को जो अमर है शाश्वत है डेथलेस लिम्स ग्लोरिड फेस उस मुख को उस आनंद में मुख को जिसको हम ढूंढते हैं संसार के सब मुखों में लेकिन पाते नहीं हैं। इस अपार विस्तार ने उसको छिपाया हुआ है देर इज नन हम इस चीज में इस प्रपंच को सोचते हैं यही सब कुछ है ये तो मात्र एक वैनिटी है इसके पीछे जो सत्य है उससे इसका जीवन है वन इज देयर सेल्फ ऑफ सेल्फ सोल ऑफ स्पेस फाउंट ऑफ टाइम एक है जिससे ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है जो आत्माओं का उद्गम स्रोत है जिससे ये अपार विस्तार ये अनंत काल की धारा प्रकट हुआ है हार्ट ऑफ हार्ट माइंड ऑफ माइंड माता जी की एक प्रार्थना है जिसमें कहती है ओ दाओ हुआ दी लाइफ ऑफ आवर लाइफ लाइट ऑफ आर लाइट मास्टर ऑफ आर डेस्टिनी सब प्रकाश उससे उत्पन्न हुए हैं हार्ट ऑफ हार्ट माइंड ऑफ माइंड ही वही विद्यमान है ओह नो वाइड एब्सल्यूट सेल्फ एब्सॉर्ब स्पलेंडेड म्यूट लोग कहते हैं संसार के पीछे एक शून्य है नो इट इज नॉट

निविड़ चुप मौन नहीं उस मौन के परे उस अक्षर ब्रह्म के परे एक पुरुषोत्तम है हैंड्स दैट होल्ड जो इस सृष्टि को धारण करते हैं इस अनंत शेषिया के अंदर विष्णु रूप में विद्यमान है हमारे अंदर हैं जो अपने हाथ से हमको पकड़ कर लेकर चलते हैं हैंड्स दैट होल्ड जीवन रथ में लिप्स रेड लिप्स दैट किस ब्लो दूट वे जो अपने चुंबन द्वारा हम हमको जगाते हैं हमारी आत्मा को आनंद से भर देते हैं ब्लो द फ्लोट और ऑल ही लव्स ऑल ही मूव्स ऑल आर हिज ऑल आर ही के अंदर उन्हीं का प्रेम है सब कुछ को वही गतिशील धारा देते हैं ऑल ही मूव्स ऑल आर हिज कोई किसी और का नहीं है उन्हीं का है ऑल इज ही और कुछ है ही नहीं सृष्टि में सिवाय कृष्ण के मैनी लिम्स सेट हिज विम्स ये सब संसार में अनेकों अनेकों रूप नाम ये कुछ नहीं मात्र उनके अनेक अनेक भुजाएं हैं विश्व रूप का दर्शन और केवल उन्हीं के एकमात्र संकल्प से सब कुछ चल रहा है और उन्हीं के आनंद की तृप्ति के लिए बना है टू इन वन टू हो नो डिफरेंस रिच इन सेंस दो है मगर एक है ऑल दिस वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी दू हुआ वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स वही कृष्ण है एक छोर पर वही काली है दूसरे छोर पर वही श्री अरविंद है वही माँ है विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट विदाउट मी इज अनमेफेस्ट टू टू वन टू बी दिस वही सत्य शाश्वत सत्य जो श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होते हैं नाम के अनुरूप आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और संपूर्णता की ओर ले जाते हैं वही शाश्वत सत्य जब श्री अरविंद के रूप में प्रकट होते हैं तो नाम के अनुरोध अनुरूप इस पाप पंख की सृष्टि में भागवत रूपी कमल उसको खिलाने के लिए स्थापित करने आए हैं और वह कमल स्थापित होगा यही श्री कृष्ण का कार्य है यही श्री अरविंद का कार्य है यही मां का आश्वासन है